तोलो छाती तोलो जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आज समय है केंद्र की सरकार को, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, पूरे देश की सरकारों को आज बताना पड़ेगा वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अगर भारत आजाद हुआ है और 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है तो उसकी तरक्की में देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों का हिस्सा कहां? देश के अंदर जूते चप्पल कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो क्या तुम जूते चप्पल पहनना बंद कर दोगे? देश के अंदर खेतों के अंदर अन्न कौन उगाता है? मजदूर के तौर पर, बेशक जमीन के मालिक ना हो लेकिन उस जमीन पे खेती मजदूर के रूप में हम लोग करते हैं, हम अन्न हम उगाते हैं। तो क्या आप हमारे हाथ का उगाया हो अन्न खाना बंद कर दोगे? जिस देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं हो, इतनी सारी संस्कृतियां हो, इतनी सारी जातियां हो, चार वर्ण हो, अनेकों धर्म हो, इतनी विविधताओं के बावजूद जहां हर 50 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जहां आजादी से पहले 565 रियासतें थी, ऐसे बिखरे हुए देश को एकजुट करके एक यूनाइटेड भारत के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अगर किसी ने एकजुट किया और उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया। आज ब्राह्मणवाद दलितों के अंदर घुस चुका है, वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, जाटो समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, खटीक समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, रेगड़ समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, बलई समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, कोली समाज अपने आप को अलग लेके चल रहा है, और उसी तरह अनुसूचित जनजाति में उसी तरह पिछड़े वर्ग। तो इस बात को समझ लो कि हमारे साथ जो उत्पीड़न है वो जातिवाद की वजह से है, ये जातिगत उत्पीड़न है, ये जाति की वजह से है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न भी बना रहेगा। अगर आप जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं तो जाति छोड़ने का संकल्प करो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो। दिल्ली और दिल्ली के आसपास से कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमन बधाई। मेरे समता सैनिक दल के सभी साथियों, SC ST फेडरेशन के सभी साथियों, मिशन जय भीम के सभी साथियों, आज भारतीय बौद्ध महासभा के साथी भी आ गए, भंडारी जी उनकी टीम, मैं सभी का आज यहां अभिवादन करता हूं। आज हमें तय करना होगा कि भारत से छुआछूत खत्म होगी या नहीं होगी, भारत से जातिवाद खत्म होगा या नहीं होगा। आज समय है केंद्र की सरकार को, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, पूरे देश की सरकारों को आज बताना पड़ेगा वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पूरा देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन मैं अपने समाज के इन युवाओं से, इन बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के हिस्से में आजादी आई है? नहीं। क्या आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं? नहीं। क्या आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती? क्या आज भी हमारे भाइयों का जाति पूछकर कत्ल नहीं किया जाता? किया जाता है। क्या आज भी देश के संसाधनों में हमें हिस्सा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर भारत आजाद हुआ है और 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है तो उसकी तरक्की में देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों का हिस्सा कहां है? देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहां है? भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को न केवल आजाद करा बल्कि जो धर्म शास्त्रों में लिखकर 3,500 साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी,
3,500 साल तक हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, 3,500 साल तक हमें संपत्ति इकट्ठा करने पर भी धार्मिक बंदिश थी। सोच के देखो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस 3,500 साल की गुलामी से हमें मुक्ति न दिलाते, अगर वो स्कूलों में कॉलेजों में हमारे लिए पढ़ने की व्यवस्था न करते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे लिए सरकारी नौकरियों की व्यवस्था ना करते, अगर वो हमारे वोट का अधिकार सुनिश्चित ना करते, अगर संविधान के माध्यम से संवैधानिक रूप से हमें सारे हक और अधिकार ना देते, तो क्या हम आजाद हो पाते? आज जो हमारे घरों में थोड़ी बहुत खुशहाली नजर आती है, थोड़ी बहुत तरक्की नजर आती है, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से है। मैं आप सब साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, कृपया एक बार आंख मीच कर आंख बंद करके अपने मन में सोच के देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चार चार बच्चे चले गए, जिस पिता के चार चार बच्चे छोटी सी उम्र में इलाज के अभाव में मर जाए वो आदमी टूट जाता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टूटे नहीं। चार चार बच्चों को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर हमारे दलितों पिछड़ों आदिवासियों को 3,500 साल की गुलामी से मुक्त किया। मुझे याद आता है 1956 के अंदर 18 मार्च को आगरा के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के लोगों से कहा था कि मैं अकेला इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद पढ़ने के बाद आया और मैंने समाज की तकलीफ दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाकर अपने लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए, मैं उम्मीद करता था कि जब मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएंगे, अगर मैं अकेला इतना सब कुछ दे पाया तो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग मिलकर जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज को पूरी तरीके से आजादी दिला देंगे, समाज के हक अधिकार सुनिश्चित कर देंगे। लेकिन आज मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस कारमा को बड़ी मुसीबतों के बाद मैं यहां तक लेकर आया हूं, बड़े कष्ट झेले हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपने समाज के लोगों से कि मेरे बाद इस कारमा को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाए, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम यही छोड़ देना, यहां रोक के रखना, पीछे मत जाने देना। लेकिन क्या ये सच नहीं है, कारवां आगे जाने की बजाय और जहां तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेकर आए वहां तक रुकने की बजाय कारवां पीछे चला गया। पहले लाखों लाखों लोगों की नौकरियां लगती थी, हर विभाग में हजारों हजारों वैकेंसी निकलती थी, रोस्टर पॉइंट में पहली वैकेंसी एससी को जाती थी, लेकिन आज पहली वैकेंसी जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी ओबीसी को, पांचवी जनरल को, छठी जनरल को, अगर सातवीं सात वैकेंसी निकलती है तब एक वैकेंसी एससी को जाती है, 15 वैकेंसी निकलती है तो 2 एससी को, 1 एसटी को जाती है, 4 ओबीसी को जाती है, अगर 13 वैकेंसी निकलती है तो 13 वैकेंसी में से 2 एससी को जाती है, 13 में से 1 एससी को जाती है, 2 ओबीसी को जाती है, 10 वैकेंसी जनरल को जाती है। कहने को कहते हैं 49.5% रिजर्वेशन है, कहां है 49.5%? इतना बड़ा धोखा हमारे आंखों के सामने हो रहा है और हमारे समाज के लोग चुप बैठे हैं। अरे जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे और इस बात पर चर्चा शुरू हुई अंग्रेज जाने वाले हैं अब हम अपनी सरकार चुनेंगे तो वोट का अधिकार देना किस किस को मिलना चाहिए, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार
केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो बड़े जमींदार हैं या जो ग्रेजुएट है, केवल उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, जब धर्म शास्त्रों में लिखकर 3,500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, धार्मिक बंदिश लगा के रखी, तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से बनते, इसका मतलब हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार मिलेगा नहीं। जब हमारे लोगों को संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, तो फिर हमारे लोगों के पास संपत्ति कहां से आती, जमीन कहां से आती, वो इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते। इसका मतलब संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य हमारे लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी को बराबर रूप से मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार हमारे लोगों को ना मिला होता, केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पे ही को, बड़े जमींदारों को मिला होता, तो क्या हमारे लोगों के लिए स्कूल अस्पताल बनते? जो हमारे क्षेत्रों में थोड़ी बहुत खुशहाली आई, क्या वो आती? नहीं आती ना। लेकिन हमने बाबा साहेब की कुर्बानी को बर्बाद कर दिया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, हमारे घर जलाए जा रहे हैं। मूछ रखने माधव जितेंद्र मेघवाल की फरवरी मार्च के महीने में राजस्थान के पाली में हत्या कर दी गई, क्योंकि वो मूछ रखता था, सुंदर दिखता था, सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालता था। जिसने उसकी हत्या की, उसने पुलिस को बताया कि ये सोशल मीडिया पर मूछ पहनाते हुए अपनी फोटो डालता है, ये सुंदर दिखता है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये दलित है, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। तो हमारे लोग सुंदर दिखेंगे तो आप हमारी हत्या कर दोगे? हमारे लोग जज, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएंगे तो आप हमारी हत्या करोगे? अभी 3 रात पहले मेरे घर पर सुनील जी आए, जो IAS में, जिनका 22वां रैंक कोल इंडिया में आया, जनरल से उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे बताया, उनकी वाइफ भी IFS है, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले दिनों उनकी शादी हुई, तब तक IAS का रिजल्ट नहीं आया था, वो IPS ऑफिसर थे, और उन्होंने अपनी बारात घोड़ी पर निकालने की जब जिद की, पूरा का पूरा वहां के सामंतवादी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हारी बारात पे हमला करेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो IPS ऑफिसर थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन की बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्था कराई, छतों पे पुलिस वाले इकट्ठे हुए, चारों तरफ पुलिस की छावनी बैठ गई। तब कहीं जाकर एक IPS ऑफिसर वो अपनी बारात घोड़ी पर निकाल के आया। क्या शर्म नहीं आती? भारत की सरकारों को शर्म नहीं आती? कायम इंसान नहीं है? कहते हैं कि ये खाना तो दलित महिला ने बनाया है, ये खाना बच्चे नहीं खाएंगे। मैं आप सब कैसे, मेरे साथी बैठे सारे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जूते चप्पल कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो क्या तुम जूते चप्पल पहनना बंद कर दोगे? देश के अंदर खेतों के अंदर अन्न कौन उगाता है? मजदूर के तौर पर, बेशक जमीन के मालिक ना हो, लेकिन उस जमीन पे खेती मजदूर के रूप में हम लोग करते हैं, हम अन्न हम उगाते हैं। तो क्या आप हमारे हाथ का उगाया हुआ अन्न खाना बंद कर दोगे? जिन घरों में आप रहते हैं, उन घरों का मजदूर के रूप में निर्माण हम करते हैं, क्या आप उन घरों में रहना बंद कर दोगे? जिन स्कूलों में, कॉलेजों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिन अस्पतालों में आप इलाज कराते हैं, उनका निर्माण मजदूर के तौर पर हमारे दलित समाज के मजदूर भाई करते हैं, क्या आप उन अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? क्या उन कॉलेज अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जाना, अपने बच्चों को भेजना बंद कर दोगे? जिस कपड़े को आप पहनते हैं, उस कपड़े को भी हमारे लोग बुनने का काम करते हैं, क्या आप कपड़े पहनना बंद करके नंगे होने को तैयार हो? सोच के देखो, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा तुम्हें? इस तरीके से देश नहीं चलता। भारत विविधताओं का देश है। आपको सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिस देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं हो, इतनी सारी संस्कृतियां हो, इतनी सारी जातियां हो, 4 वर्ण हो, अनेकों धर्म हो, इतनी विविधताओं के बावजूद जहां हर 50 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जहां आजादी से पहले 565 रियासतें थी, ऐसे बिखरे हुए देश को एकजुट करके एक यूनाइटेड भारत के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अगर किसी ने एकजुट किया और उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की दूरगामी सोच थी। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे लोगों के खिलाफ जुल्म होता है,
हमारी बहन की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, हम विरोध करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती है। अभी आपने देखा होगा जालौर के अंदर जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं सोकोल्ड, उन लोगों ने इस घटना के विरोध में पंचायत की, महापंचायत की है, उन्हीं लोगों ने हाथरस में भी महापंचायत की। तो क्या जुर्म करने वालों के फेवर में महापंचायत करके तुम भारत को एकजुट रख सकते हो? नहीं। हमारे समाज के लोग कोई गुलाम नहीं है, अब हमें दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपको इस लड़ाई को जीतना है तो ब्राह्मणवाद को और ब्राह्मण में अंतर करना सीखो। आज ब्राह्मणवाद दलितों के अंदर घुस चुका है, वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, जाटो समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, खटीक समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, रेगड़ समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, बलई समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, कोली समाज अपने आप को अलग लेके चल रहा है, और उसी तरह अनुसूचित जनजाति में, उसी तरह पिछड़े वर्ग में। मुझे पता लगा जो कुर्मी समाज है उसमें सचान अलग है, वर्मा अलग है, चौधरी अलग है, पटेल अलग है, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। जब हम लोग अपनी जाति को महान बताते हैं, अपनी जाति को ऊंचा बताते हैं, उसी क्षण हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर देते हैं। जब हम जाति में बटे हैं और अपनी अपनी जाति को जोड़ रहे हैं तो तुम्हें कोई हक नहीं है जातिवाद के खिलाफ बोलने का। अगर तुम जातिवाद को खत्म करना चाहते हो तो इस बात को समझ लो कि हमारे साथ जो उत्पीड़न है वो जातिवाद की वजह से है, ये जातिगत उत्पीड़न है, ये जाति की वजह से है। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न भी बना रहेगा। अगर आप जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं तो जाति छोड़ने का संकल्प करो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। कोई वाल्मीकि नहीं चलेगा, कोई जाटव नहीं, कोई चमार नहीं, कोई कोली नहीं, कोई खटीक नहीं, कोई बैरवा नहीं, कोई बलई नहीं, कोई लेगड़ नहीं, कोई वर्मा नहीं, कोई चौधरी नहीं, कोई सचान नहीं, कोई पटेल नहीं, कोई सोनकर नहीं। प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। एक ऐसा भारत, एक ऐसा भारत जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जिसमें मानवता को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाए, जिसमें सबके लिए प्रज्ञा हो, सबके लिए करुणा हो, सबके लिए सील हो। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात समझ गए थे, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हम जातिगत उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने संकल्प किया था कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा। पहले 21 साल तक हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश करते रहे, उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म में से जातिवाद खत्म हो जाए। लेकिन जब 21 साल के बाद उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तब उन्होंने संकल्प किया मैं भारत को बौद्धमय करूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने कहा जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है, समुद्र में गिरने के बाद वो अपनी पहचान खो देती है, समुद्र में से कोई पानी निकालकर क्या ये बता सकता है कौन सी नदी का पानी है? बताइए आप लोग, क्या समुद्र में से कोई पानी निकाल के बता सकता है कि ये किस नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा वो सब समुद्र कहलाता है, उसी तरह ये सारी जातियां अपनी जातियों को छोड़कर जब बौद्ध बन जाएंगे, जब वो मानवता को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, जब आपस में प्यार पैदा करेंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करके इंसान बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, तब भारत बौद्धमय बनेगा। देश का 85% समाज जब बौद्ध हो जाएगा फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी बहन बेटी की तरफ आग उठा के देख ले। मैं आह्वान करना चाहता हूं उन लोगों से भी जो मानवता पसंद है, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कोई भी हो, जो मानवता पसंद है, जो बुराई के खिलाफ बोलना चाहता है, जो इंसानियत को चाहता है, जो जुर्म के खिलाफ बोलना चाहता है, वो अपनी जातियों को छोड़ के एकजुट होने की बात करो और बुराई का विरोध करना सीखो। अगर आप बुराई का विरोध नहीं करेंगे, अगर आप बुराई के साथ अपनी जाति की वजह से एक साथ खड़े हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा।
लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं हम। हम 85% लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम संत गुरु रविदास वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं। हम ज्योतिबाला फूले जी साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम पेरियार को मानने वाले लोग हैं। हम लोग इन जातियों को खत्म करेंगे और एकजुट होकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ सबके अंदर मानवता हो, भाईचारा हो। और हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से प्यार करते हैं। हम लोग कोई भी काम संविधान विरोधी नहीं करेंगे, ये संकल्प भी लेना होगा। क्योंकि हमारे बीच ये लोग आकर हमारे बीच नफरत पैदा करेंगे, ये लोग हमारे लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे, ये लोग तोड़फोड़ करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग तोड़फोड़ करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हैं, जो सरकार के संसाधनों को जलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा बना के जेल में डाल दिया जाता है। और फिर मुकदमे बना के हमारे लोगों को भी झूठे केस बना के जेल में डाल दिया जाएगा। ये लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई लाठी गोली से तलवार से नहीं लड़ी जा सकती, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा से लड़ी जाएगी। हम जातियों को खत्म करके समाज को जोड़ेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उस विचारधारा से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम जानते हैं इस विचारधारा के दम पर हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन एक ही सूत्र है, जीतने का केवल एक सूत्र है। किसी भी सूरत में हम लोग संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। हम शांति पूर्ण तरीके से अपनी एकजुटता से संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हमें एक काम और करना, अपनी वोट की कीमत को पहचानना है। जो लोग हमारे वोट को शराब की बोतल में खरीदते हैं, 1,000-2,000 रुपए में खरीदते हैं, 10-5 किलो अनाज में खरीदते हैं, उसके बाद पूंजीपतियों के हाथों देश को बेच देते हैं और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, हमारे भाइयों का कत्ल करवाते हैं, कत्ल करने वालों को जेल में से छुड़ाते हैं, उनके गले में माला डालते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? ये कैसा आजादी का अमृत महोत्सव है? हमें स्वीकार नहीं है ऐसी आजादी, हमें स्वीकार नहीं है जहाँ भाईचारा ना हो, जहाँ बराबरी ना हो, जहाँ बहनों की इज्जत लूटी जाती हो, जहाँ भाइयों का कत्ल किया जाता हो। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी आजादी चाहिए। स्वीकार नहीं है। अरे मीडिया भी सुनना, ऐसी आजादी स्वीकार नहीं है। हमें मानवता चाहिए, हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें देश के संसाधनों में हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। जल, जंगल, जमीन, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। इससे कम को स्वीकार नहीं है। हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई का सूत्र ध्यान रखना। अगर आप अपने अपनी जातियों को इकट्ठा मजबूत करते रहेंगे, अपनी जाति को ऊंचा बताएंगे और आपस में जातिवाद करेंगे, तो हम हमेशा हारेंगे। 3,500 साल क्या, आगे के 3,500 साल और भी लग जाए तो भी ये हमारा जातिगत उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। इसका एक ही तरीका है, हम लोग एकजुट हो जाएं, अपनी जातियों को खत्म कर दें और बाबा साहब का जो सपना था प्रबुद्ध भारत का, प्रबुद्ध भारत बनाने के सपने को पूरा करेंगे। और आने वाले 5 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के भवन पर हम लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापसी करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देता हूँ। मेरे साथी उमेश सिंह गौतम जी, मेरे साथी के पी चौधरी जी, निगम साहब, आर्या साहब, हमारे विधायक सुरेंद्र जी, राजेंद्र जी, हमारे सारे लोग, हमारे देखो लखनऊ से मेजर शेखर भी आए हैं, उनके साथ भी टीम आई है, वर्मा जी भी आए हैं, अभिषेक जी भी आए हैं, श्यामलाल जी भी आए हैं और हरियाणा से भी काफी लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों से, दिल्ली के कोने कोने से आए हैं। बस मैं एक संकल्प आपसे दिलवाना चाहता हूँ, क्या आप इन जातियों को तोड़ने के लिए तैयार है? जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।